फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बाबू गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो जय बोलो। अच्छा जय बोलो, जय बोलो, जय जय कर लो, जय करो, आप जय करो, छोटी 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 जय करो, 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 जय करो। तो फ्रेंड्स आज हमें करनी है सफाई करनी, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। जब तक बाबू खेलेंगे तब तक मैं सफाई करूँगी। और ऐसे तो हमें करनी थी खिड़की की, टीवी और फ्रिज वगैरह की, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है मेरी सफाई। तो चलिए बाबू को मैं बैठा दूँगी बेड पर और उनके मैं देखिए किचन सेट सारा रखा हुआ है खेलने के लिए इनके। देती हूँ कितना काम करती हैं अपना ये किचन का सारा, क्या क्या बनाती हैं और क्या खाती हैं ये अपना खेलेंगी। और मैं अपना फटाफट कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। बाबू जय करो, जय जय। देखिए आप लोग को जय कर दिया मेरे बच्चे ने। और आप लोग प्यारे प्यारे आशीर्वाद दीजिए मेरे बाबू को। तो अब फोन को लगा देते हैं, शीट करते हैं और बाबू को बैठाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। कहाँ बैठोगे आप? यहाँ पर ये लो। आप चाय बना लो इस पर, ठीक है? ये चाय है, ये कहाँ गए भाई? ये आपका ये लो कप है, ठीक है? हाँ। और इसमें आप क्या रखोगे? चावल रख देना। इसमें कुकर है, ये आपका देखना, इसमें कुकर में चावल रख देना आप, ठीक है? और
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खिड़की साफ़ कर ली थी अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आ गई थी टीवी की सफाई करने के लिए, क्योंकि टीवी पे ना बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह हो गए थे इतना दिन भर। मतलब वो जो खिड़की देख रहे हो आपने, उसके आगे वाले भाग में ना वो शीशा लगा हुआ है, डबल है, डोर है, फिर भी मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। बहुत ही हमेशा गेट वगैरह सब कुछ बंद रहता है, पीछे का गेट और बंद रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाता है और हमें देख मतलब अच्छा नहीं लगता हमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर साफ़ कर देती हूँ। आपने भाई बाबू खेल रहे थे, मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ, यही सब हटा के मैं करी थी। बहुत ही ज़्यादा धूल निकल रहा था, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। जब ये पोछा कपड़ा ले रखी थी ना, तब उसमें दिखाई तो ब्लैक कलर था, उसमें तो बिल्कुल पता चला था बहुत सारे धूल निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना यही टीवी है अभी, हम लोग के पास वो दीवार वाली टीवी नहीं है, अपना इसी से ही काम चलाते हैं। बाबू बोलता है बट अभी इतना बजट नहीं है कि हम ले सके, और ये थोड़ी ख़राब भी हो गई है, इसमें कलर नहीं आता, सिर्फ सादा सादा दिखाई देता है। तो अब बच्चों का मन जानते हैं ना, बहुत दुख होता है हमें जब वो देखता है और सादा सादा दिखता है। अब तो सादा कौन भी देगा, इसका कलर ही पता नहीं क्या हो गया है, गायब हो गया है, क्या हो गया है, इस कलर नहीं आता है इसमें, सिर्फ सादा ही। तब भी बेटा मेरा यही देखता है, फिर बोलता है जाने दो मम्मा यही रहने दो, यही देखेंगे हम लोग। तो वो अपना इसी में काम चलाते, इसी यही देखता है, वही बस थोड़ा बहुत देखता है टीवी, और बाकी तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, और हस्बैंड ऑफिस रहते तो उनको टाइम मिलता ही नहीं है, अगर न्यूज़ वगैरह होते तो फ़ोन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखे तार और सारे बहुत फैले थे, डर भी लग रहा था, फिर मैंने स्विच को ना बंद कर रखा था, देखा कि बंद था, तब फिर मैं सफाई कर दी थी यहाँ पर अच्छे तरीके से, पूरा नीचे का भी साफ़ कर दूँगी सब। और बताऊँ जो दीवार वाले टीवी में आएगा वही तो इसमें भी आएगा, कि उसमें थोड़ा नया टीवी होता है सब कुछ तो कलरफुल आता है, इसमें सादा है, अच्छा तो नहीं लगता है हमें भी, लेकिन क्या करें, काम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम ये सब चीज़ें ले सके। तो यहाँ पर रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, किचन नहीं, फ्रिज को करना था साफ। तो यहाँ पर मैं पहले स्विच को ऑफ़ कर दूँगी और प्लग को बाहर निकाल दूँगी, फिर इसके बाद जो सारे फ्रिज में सामान पड़े थे ना, पहले मैं एक ही में जो थे थोड़े छोटे छोटे थोड़े सामान जो बचे हुए थे तो मैं एक ही में रख दी थी, फिर उसके बाद मैं सफाई करने के बाद मैं अपना सेट कर दूँगी, इसको मैं किचन में रख दूँगी। सारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था ऐसे, लेकिन कुछ गिरा गिरा सा था ऐसे ही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब डीप क्लीनिंग करी थी तो मैं उसको वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसे ही कपड़े से साफ कर दूँगी, सूखा कपड़ा लेकर के ही दूसरा कपड़ा लेकर के साफ कर दूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ ना मैं किचन में, और ये बाबू बार बार आ जा रही थी तो बहुत ही परेशानी हो जा रही थी बच्चों के साथ कभी कभी, तो इसको मैं बाहर भेज रही थी, बाहर चले जाओ, मतलब बार बार ना फिर मुड़ के इधर ही आ जा रही थी। या मैं सारे सामान बाहर अपना निकाल लेती, फिर इसके बाद करूँगी सफाई अपना। तो मैं यहाँ पर म्यूज़िक लगा लेती हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए।
यस गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा सारा क्लीनिंग वगैरह हो गया, सारे काम हो गए हैं और मैं नहा करके आ गई और मैंने अपनी बेटी को भी सुला दिया और सुलाते सुलाते ना उसको हमें नींद आने लगी थी, फिर हमें याद आया ब्लॉग का करना था एंड। तो अभी पापा का बर्थडे का डेकोरेशन जो हुआ था ना वो अभी लगा हुआ है, बैलून ये देख लीजिए सारे बैलून अभी लगे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और वो मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, बाबू सो गई है, बहुत ही मुश्किल से उन्हें हमने सुलाया, मतलब जब उसे मैं सुलाने जा रही हूँ ना, जब उसको ब्लैंकेट में ढक रही हूँ कि सुला दो थोड़ा सा, तब ब्लैंकेट को उठा के बोली झा झा, मतलब वो मेरे साथ में मेरे को खिलाने लग जा रही है, बोली ता, और वो नहीं सो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने सुलाया, ये देखिए सो रही है, सो रही है। और मेरा ये है रूम, मैंने सारा क्लीन कर दिया था, सब कुछ हो गई सफाई, आज थोड़ी शांति मिली हमें क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा था गंदा गंदा, तो रूम नहीं था, झाड़ू पोछा तो डेली होता है, मतलब यही ना दरवाजे और खिड़कियां वगैरह ये साफ़ करनी थी, तो आज फाइनली मेरा गंदा सफाई और मैं नहा ली हूँ और मेरा नाश्ता हो गया। और टाइम बता दूँ मैं क्या हो रहा है, अभी हो रहा है इस टाइम 12:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पर करूँगी ब्लॉग का एंड करूँगी, फिर उसके बाद किचन में चल रही दोपहर के खाने की तैयारी करना है क्योंकि बाबू आ जाएगा, देव आ जाएगा 2:30 बजे के लगभग, फिर देव आ जाएंगे, फिर उनके साथ खाना खाना है और बेटी अगर उठ जाएगी तो उनको खाना खिलाऊंगा, देखते हैं कितने घंटे तक सोती हैं, सुबह से सोती नहीं हम, वो ना 6:30 या 6 बजे उठ जाएगी, फिर अभी सोई है, सुबह सुबह का काम इतने रहते हैं ना, फिर होता है बच्चे का सो जाए तो थोड़ा सा काम हो जाए, बट ये सोती नहीं है, मैंने जब नींद ने नहला दिया कि शायद ये सो जाए लेकिन फिर भी नहीं सोई, जब जब मैं उसे सुलाई तो ता ता कंबल उठा उठा के बोल रही है, बार बार यही बातें बोल रही थी, फिर आज मैंने बड़ी मुश्किल से सुला ही दिया आखिर में, बच्चे थोड़ा सो लेते हैं, इन भी छोटी है ना, इनको सोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए, और रात में सोते हैं तो क्या हुआ दिन में भी। तो फ्रेंड्स आज तो फ्रेंड्स चलिए मैं अभी करती हूँ ब्लॉग एंड, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ना पूरा देखा करें, फुल वॉच किया कीजिए प्लीज़ प्लीज़, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।